अच्छा लाइव लाइव बच्चों को कैसा है आप इनको बुलाइए। आपके हस्बैंड से तो हमारी बात हो रही थी, तो जैसे अभी आप एनटीपीसी का एग्जाम दे गए हैं तो मेरे हिसाब से एग्जाम ठीक ही गया होगा, दो साल हो गए थे, तो किस तरह के क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिले हैं? कोई आइडिया जैसे करंट कितने टाइम तक का दे रखा था, या साइंस के क्वेश्चन कितने थे, या मैथ कैसा था, आसान था या टफ था, रीजनिंग कैसी थी? और करंट मास्क एक बार ताकि आपकी आवाज़ आ जाए। हाँ जी, करंट अफेयर भी आया था, करंट अफेयर ज़्यादा करंट अफेयर आया था या कम करंट अफेयर आया था? नहीं, दस दस क्वेश्चन तो सबके आते हैं, बस करंट अफेयर ज़्यादा आया था या कम आया था? पूरे जीएसटी पेपर में कमी था करंट अफेयर। साइंस के क्वेश्चन कैसे थे? साइंस के तो नहीं थे क्वेश्चन, नहीं थे ज़्यादा, बस आपसे यही रिव्यू हमें लेना था। बाकी एक बार एक दो बच्चों से और बात कर लेते हैं हम लोग, तो एग्जाम में लेट हो रहे हैं। एक मिनट नहीं कर रहे बात, पकड़ के ला और कैमरे अभी रिव्यू ले लेते हैं बराबर बराबर। तो एग्ज़ाम कैसा रहा आपका? ठीक था। अभी मुझे बस यही पूछना है कि मैथ्स ज़्यादा टफ था या इजी था? मैथ्स टफ था। मैथ्स और जीएस में कौन सा सेक्शन ज़्यादा था? मैम मास्क हटा दीजिए ताकि आपकी आवाज़ आ जाए। जीएस में तो करंट अफेयर ज़्यादा था। और जैसे बच्चे कह रहे थे कि एनटीपीसी रेलवे का एग्ज़ाम है तो साइंस ज़्यादा आएगी, तो ज़्यादा साइंस बिल्कुल भी नहीं था। मतलब न्यूमेरिकल जैसे बच्चे सोच रहे थे कि न्यूमेरिकल आएंगे, न्यूमेरिकल था ही नहीं हमारा बिल्कुल भी। न्यूमेरिकल रेलवे ग्रुप डी ऐसा कुछ नहीं, रेलवे से रिलेटेड भी कोई चीज़ नहीं थी। पॉलिटी और अगर ज्योग्राफी की बात करें तो पॉलिटी की थी, पॉलिटी की थी। अच्छे क्वेश्चन। और रीजनिंग कैसा था? रीजनिंग कम था, हाँ मतलब रीजनिंग आसान आया था, तो सबसे टफ अगर देखे तो उसमें मैथ ज़्यादा टफ आ रहा है। बहुत अच्छी बात है, मतलब एक अच्छा रिव्यू मिल गया और बच्चों के लिए। थैंक यू सो मच मैम। उधर एक बात करो, आपके पिताजी काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे थे, एक रिव्यू और ले लेते हैं सबसे। सर एक मुझे लेना है, आप अभी लाइव चल रहे हैं वाईफाई स्टडी से? क्या नाम? मैं वाईफाई स्टडी में टीचर हूँ, तो आप वहाँ से लाइव चल रहे हैं, तो आपका मतलब अभी आपने क्लासेस ली है? थैंक यू सो मच। तो एक वाईफाई स्टडी के स्टूडेंट हमें मिल गए हैं, तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि दो साल हो गए थे, दो साल के हिसाब से पेपर कैसे आए? आप एक दो साल बता पाएंगे? काफी इजी था, इजी था सर, प्रिपेयर किया है, बच्चे ध्यान देंगे, जो अवार्ड के क्वेश्चन है वो आपके लिए बहुत जरूरी क्वेश्चन है, अवार्ड वाले क्वेश्चन। और जैसे जीएस के लिए बच्चे डरे हुए थे उस हिसाब से कैसा था? बचपन में ज्ञान पीठ अवार्ड 2019 वाला पेपर था, करंट कितना लगा था? करंट तो एक्चुअली काफी कम ही रास्ते में था और जीएस में से कम था। कुछ बच्चे अभी हमें बोल रहे हैं कि करंट ज्यादा आया तो हमने सोचा कि नहीं ले जाए, करंट कम था। और साइंस के लिए जैसे बच्चे डरे हुए थे? साइंस के क्वेश्चंस नहीं थे मैम, बहुत ज्यादा नहीं थे, 1 ईयर 2 ईयर के क्वेश्चंस थे। साइंस के कोई एक क्वेश्चन ऐसा जो आपको याद हो, या लाइक जैसे न्यूरोलॉजी किस डिपार्टमेंट के लिए यूज होती है, या करंट अफेयर का कोई क्वेश्चन आपके पास में? मैम करंट अफेयर का मुझे एक्चुअली कुछ याद नहीं है, बट एक दो काफी इजी पेपर था, बहुत सारे बच्चे लाइव कर रहे हुए हैं और आप सब देख रहे हैं। थैंक यू सो मच। मैम से भी एक बार कभी ले लेते हैं, अपने बारे में बताइए कैसा गया और क्या हुआ, मतलब थोड़ा साल जैसे हो गए थे, इधर शोर थोड़ा ज़्यादा है। अच्छा एग्ज़ाम काफ़ी टाइम के बाद हुआ, और समय मास्क भी आपको शायद हटाना पड़ सकता है, आवाज़ आपकी बुलंद आ जाए थोड़ी सी। यस बताइए। जो इसमें जीएस था वो अराउंड वैसे क्वेश्चन थे जो कभी हमने सुना भी नहीं, और वैसे भी क्वेश्चन जो रीजनिंग था, रीजनिंग का जो लेवल था वो थोड़ा इजी था, मैथमेटिक्स और उसमें जीएस में ही थोड़ा मैथमेटिक्स और डिफिकल्ट। हाँ रीजनिंग के बारे में तो काफ़ी बच्चे ये बोल रहे हैं कि इजी था, लेकिन मैथमेटिक्स को टफ बता रहे कि मैथ्स हार्ड आया था। कोई मैम जीएस का ऐसा क्वेश्चन बता सकती हूँ कि जिस पोर्शन से बच्चों को ज़्यादा तैयारी करनी चाहिए आने वाले बच्चों को? जीएस को तो हम इजी ही कर सकते, इसका लेवल इजी ही कर सकते, और ऐसे चार क्वेश्चन थे सब जीएस मैथमेटिक्स और क्या था जीके, ये तीनों कंबाइन था, हर क्वेश्चन मिक्स था।
अच्छा मतलब ऐसा नहीं था कि सेक्शन अलग अलग नहीं सेक्शन मतलब पूरा क्वेश्चन कभी जीएस आ गया कभी चार क्वेश्चन डिफिकल्ट आया फिर पांचवा क्वेश्चन इजी फिर चार क्वेश्चन डिफिकल्ट पांचवा क्वेश्चन नहीं नहीं वो तो आपने बताया कि चार क्वेश्चन इजी पांचवा डिफिकल्ट आया मैं ये पूछना चाहती हूँ सेक्शन वाइज था कि रीजनिंग का एक सेक्शन कोई सेक्शन मिक्स था सारा तो बच्चों सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बताने वाली हूँ जो आपको पता नहीं होगी शायद सुनी नहीं होगी बच्चे रिव्यू दे रहे हैं मैम ने ये कहा कि क्वेश्चन मिक्स थे ऐसा नहीं था कि मैथ एक जगह होता है जैसे हाँ बिल्कुल ऐसे एसएससी का एग्जाम होता है मैथ्स अलग होता है इंग्लिश अलग होती है रीजनिंग अलग है ऐसे नहीं थे ये तो आपने बहुत बड़ी हम लोगों को बात बताई मैम आपका नाम क्या है अलका तिवारी जी आप ये जो सेशन है वाईफाई स्टडी में देख सकते हैं थैंक यू सो मच आपने बहुत सारे बच्चों की हेल्प की क्योंकि अभी ये बात मेरे को भी नहीं पता था कि इन्होंने मिक्स कर रखी है और आप क्या मतलब क्या कह सकते हैं करंट अफेयर कितने टाइम तक का पढ़ना चाहिए कितने टाइम तक का आपको लगा करंट अफेयर तो इसमें कुछ था ही नहीं हिस्ट्री से ही ज्यादा क्वेश्चन हिस्ट्री से ज्यादा क्वेश्चन थे बच्चे बता रहे हैं हिस्ट्री और पॉलिटी से ज्यादा क्वेश्चन आए हुए करंट अफेयर्स था ही नहीं करंट अफेयर्स बिल्कुल भी नहीं था सिर्फ करंट अफेयर्स में क्वेश्चन थे कि देना बैंक और विजय बैंक को किसमें कन्वर्ट किया अच्छा बैंक्स के क्वेश्चन आए हुए थे एक दो क्वेश्चन और अभी जो क्या कहते हैं अभी कोरोना आया है कोई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन बायो से कोई ऐसा क्वेश्चन मतलब साइंस से क्वेश्चन सबसे कम रहे हैं न्यूमेरिकल भी नहीं है तो अभी आज के शिफ्ट में तो ये कहा जा रहा है कि न्यूमेरिकल कोई नहीं है कोई चैप्टर वाइज कैसा आया है किससे ज्यादा क्वेश्चन आए हैं ये सर जैसे लाभ हानि लॉस बेनिफिट अच्छा मतलब एक एक चैप्टर का एक क्वेश्चन जनरल जनरल उठा जी सर बहुत बहुत धन्यवाद जैसा कि आप देख पा रहे हैं देखिए बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ से जाने लग रहे हैं काफ़ी स्टूडेंट से रिव्यू लिया काफ़ी स्टूडेंट ने ये बोला कि करंट अफेयर के लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे थे उस हिसाब से करंट अफेयर नहीं आया है करंट अफेयर कम आया है मैथ्स टफ आई है रीजनिंग ईजी आई है साइंस के क्वेश्चन कम आए हैं क्वालिटी हिस्ट्री ज़्यादा ही है तो आज की सुबह वाली शिफ्ट में तो ऐसा हुआ है बाकी अगर आपने देखा कि रिव्यू देखा होगा आपने अलग अलग प्रकार के बाती बच्चे होते हैं और बाती बच्चों के बाती जवाब होते हैं तो ये सब चीज़ें आप लोगों को देखने को मिली है तो अब बाकी बात करते हैं और बार कंटिन्यू करते हैं एक बार मैम से भी पूछ लेते हैं अभी एग्जाम होना है तो अभी ये इवेंट एग्जाम होने वाला है तो जब ये आ जाएंगे तो इनसे भी रिव्यू ले लेंगे एक बार तो आपको ऑल द बेस्ट आप एग्जाम दीजिए और फिर आइए फिर हमें बताइए तो ये सारी बातें हमने बच्चों से कि मैथ्स टफ बताया जा रहा है करंट अफेयर कम बताया जा रहा है पॉलिटी हिस्ट्री ज़्यादा साइंस में कोई न्यूमेरिकल नहीं आया है साइंस कम आई है ठीक है ये सब चीज़ें बताई जा रही है तो अभी देखो सेकंड शिफ्ट में क्या होता है ये इससे पता लग जाएगा कि भाई फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट से बहुत अलग है या बहुत सारी चीज़ें सेम रही है तो इसी के लिए मुझसे जुड़ना ना भूलें मेरा नाम है प्रिया चौधरी वाईफाई स्टडी से रोज़ दोपहर के 12 बजे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक यू सो मच